लालकुआ कोतवाली के बिंदुखत्ता क्षेत्र में जमीनी मामले को लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद बिंदुखत्ता चौकी इंचार्ज मनोज कुमार और अधिवक्ता एसडी जोशी के बीच हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि अधिवक्ता और पुलिस के बीच जमकर मारपीट भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और गाली गलौज सहित धमकी की सुसंगत धाराओं में वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मामले की सूचना के बाद भाकपा माले के कम्युनिस्ट नेता और आधा दर्जन अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामला बढ़ता देख कोतवाली में एकत्र भीड़ को हटा दिया। वहीं पुलिस और वकील के बीच मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 1:30 बजे की बात है, बिंदुखत्ता चौकी इंचार्ज एक शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच में घटना स्थल पर गए थे। वहां दोनों पक्ष पहले से लड़ाई झगड़ा होने की आशंका थी, जिसके मद्देनज़र काफ़ी फोर्स भी लेके गए थे। इसी उपरांत कुछ लोग, अन्य लोग, 4-5 लोग जिनका उस विवाद से कोई मतलब नहीं था, है ना, वहाँ आए और पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पक्षियों का कृषि भूमि को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसमें कि एक पक्ष जो है पुलिस फोर्स लेकर के वहाँ पहुँचा और दूसरे पक्ष की लगी हुई फसल को कटवा रहा था, और जिसका कि एक मामला जो है हल्द्वानी न्यायालय में लंबित है, सिविल का मामला। तो उन्होंने ये कहा जो है, एडवोकेट वहाँ पर पहुँचे एसडी जोशी, और उन्होंने ये कहा कि आप इसमें जो है जो दखल मत दीजिए, ये मामला आगे चल रहा है।